हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभी शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और संबित पात्रा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग सब यहाँ आए। और आज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रेस वार्ता है ये जनसाधारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। खास करके आप जानते हैं हिंदुस्तान और पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा है और आज हिंदुस्तान जिस प्रकार से सेकेंड वेव से लड़के वैक्सीनेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करना चाहती है, भ्रम का वातावरण तैयार करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर, उस विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंधुगण, आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने जो बाइट उन्होंने दिया है टीवी में, और खास करके गौरव फांडी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं उनके सोशल मीडिया के, उन्होंने यह आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सिरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। इससे पहले कि मैं कांग्रेस पार्टी के सत्य को उजागर करूं, मुझे लगता है भारत की जनता के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस भ्रम को त्वरित खारिज करना चाहिए और जो वैज्ञानिक विधान है उसको भारत के जनता के सामने तक्षणात रखना चाहिए, ताकि किसी के मन में अगर रत्ती भर का भी कोई संशय आया हो तो वो संशय मिट जाए। पहली बात तो यहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं, और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर एक। और नंबर दो, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं इसे टेक्निकली थोड़ा सा 10-20 सेकंड में आपको समझाना चाहूंगा। ये जो काउ या काफ, काफ मतलब बछड़ा होता है, ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है, कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में, इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल को एनरिचमेंट कह, अगर हमें साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं, इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरो सेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन बनाने से पहले ये जो वेरो सेल्स जिसमें कल्चर किया जाता है उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई सेरम का इंग्रेडिएंट नहीं रहे। वैसे भी वेरो सेल समय के साथ समाप्त हो जाता है और उसके अंदर जो वायरस रेप्लिकेट करते हैं
उन वायरसेस को निकाल करके उस वायरस को इनएक्टिवेट करके, क्योंकि ये डेड वायरस वैक्सीन है, उसको इनएक्टिवेट करने के बाद कोवैक्सीन बनाया जाता है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की, धृष्टता की, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिंड टुडे। ये पाप से और सिन से कम नहीं। करोड़ों लोगों को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय, और वो ध्येय है डिरेल द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है, आप याद करिए। ये कांग्रेस पार्टी दो चीजों के लिए याद रखी जाएगी, वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करने के लिए और दूसरा वैक्सीन वेस्टेज के लिए। वैक्सीन हेजिटेंसी आप याद करिए, इसी कोवैक्सीन के लिए किस किस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए। मनीष तिवारी से लेकर बाकी तमाम जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहा यह कोवैक्सीन तो खतरनाक वैक्सीन है, इसकी तो जांच नहीं हुई है, इसके पूरे रिसर्च कंप्लीट नहीं हुए हैं, वी आर ट्रीटिंग इंडियन पीपल एज गिनी पिग्स। उस समय कहा गया कि इंडियन लोगों को, हम भारत के लोगों को गिनी पिग के रूप में भारत की सरकार ट्रीट कर रही है कोवैक्सीन देके। और उस समय कांग्रेस के सरकारें जिन राज्यों में है, खास करके छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। पंजाब में भी आप देखिए, पंजाब की सरकार ने पहले कहा हम नहीं लेंगे, बाद में वहां तो वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग होने लगा, अर्थात कोवैक्सीन लेते थे, कोवैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देते थे, वहां से प्रॉफिट जेब में लेते थे। आप सोचिए जरा किस प्रकार वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया गया, वैक्सीन वेस्टेज। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वैक्सीन कोवैक्सीन को आपने लेके जमीन के नीचे गाड़ दिया, आपने उनको कचरे दान में फेंक दिया, आपने उनमें आग लगा दिया। सो यू हैव प्रमोटेड, द कांग्रेस पार्टी हैज सिंड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बाय प्रमोटिंग वैक्सीन हेजिटेंसी एंड बाय प्रमोटिंग वैक्सीन वेस्टेज। अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव राइटली पॉइंटेड आउट, profiteering from vaccine also in Punjab. People of this country are not going to forgive the Congress party for what they have done. और आज इस मंच पे से भारतीय जनता पार्टी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं, यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? और यह सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह सवाल समूचे हिंदुस्तान का है कि क्या वो लोग जो चाइना में जाके एमओयू साइन करते हैं, क्या वो लोग जो डोकलाम में जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, क्या वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के हिंदुस्तान के मस्तक को झुकाने का काम करते हैं, वो हिंदुस्तान के वैक्सीन के ऊपर, हिंदुस्तान के इंडिजिनस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करते हैं और है या नहीं? और राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी जवाब दें कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं। बंधुगण, आज से ठीक एक हफ्ते पहले रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के एक और रत्न, उन्होंने भी कहा था कि लोग भ्रमित है, लोग जानते नहीं हैं ये वैक्सीन कैसे बनते हैं, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है। रॉबर्ट वाड्रा जी, आप, आपके पास तो इतनी जमीन है, मेडिकल कॉलेज खोल के भर्ती होइए, वहां पर पूरा पढ़ के आइए प्रोसेस वहां से। जब कोवैक्सीन लॉन्च होता है तब कहते हैं हम कोवैक्सीन लेंगे नहीं, इससे खतरा हो जाएगा। जब पूरा पीक पे रहता है सेकेंड वेव तो कहते हैं हमारा कोवैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों के कोवैक्सीन कहां चले गए। क्या मजाक बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। और देखिए, एक बहुत बड़ा त्रासदी है पूरे विश्व का, इस त्रासदी में हम सब की आवश्यकता है कि हम साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, ना कि इस प्रकार की बातों के साथ जो भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है या फैला चुकी है और जो आज हम डिस्पेल कर रहे हैं। मगर इसका सवाल जो हमने पूछा, इसका जवाब जरूर दे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और वाड्रा जी भी दे दें कि इन्होंने, सारे लोगों ने, चारों ने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, कब लिया है, कौन सी वैक्सीन ली है,
कोवैक्सीन पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब जरा बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। यस सर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी आरोपों का जवाब दिया, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कोवैक्सीन को लेकर कि इसके इस्तेमाल में गाय के बछड़े का सीरम है उसका इस्तेमाल किया गया है, उन सभी पर तस्वीर साफ की, उन सभी भ्रमों को दूर किया। There is no doubt that India is in fact one of the fastest moving vaccinating country. Look at the size of this country. But despite this size, way India has moved ahead with vaccination is something which is quite applaud worthy. We should applaud India's vaccination process. Number two, as far as suggestions from various quarters that the speed should still be high, for that in fact the government of India has rolled out an action plan as to how the government of India is going to vaccinate most of the Indians by the end of this year, and we all are aware of it. We should have complete faith in the government of India's plan. As far as promoting vaccine hesitancy is concerned, I reiterate that present day's functioning of every person in India should be with a scientific bent of mind. And of course, when politicians who are great contributors as far as influence is concerned, when they come out and speak the way the Congress politicians and some in Samajwadi Party have been speaking, remember, there was time when some politicians said that this vaccine is not an Indian vaccine, this is a BJP ka vaccine. And I will not take the vaccine. मैं तो वैक्सीन लूंगा नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लेंगे। And then we had slew of Congress leaders who in fact did not show any interest in Covaxin. Rather, they pointed fingers toward Covaxin. And of course, with today's statement, which is a sly attack on Covaxin, vaccine hesitancy would be promoted, which would not be fair for the vaccine drive of India. Thank you. देखिए, पहले सवाल के जवाब में तो कहूंगा ये तो बिल्कुल चौंकाने वाला विषय है, जिस प्रकार से आपने अभी जी न्यूज के माध्यम से हमें बताया और बाकी चैनल भी शायद इस विषय को उठा भी रहे होंगे। ये चौंकाने वाला विषय है कि भारत ने कोविड के लोगों की मदद करने के लिए अगर बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के लोगों से लिया गया और बाद में उसको आप पाकिस्तान और खास करके जैसा आपने बताया कुछ आतंकवादी संगठनों की मदद के लिए ये पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं सरकार इस विषय का संज्ञान अवश्य लिया होगा, सरकार ने इस विषय की जांच होगी और किसी भी इस प्रकार के एनजीओ को या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारत के कानून के खिलाफ है, नंबर एक। दूसरा प्रश्न आपका ट्विटर को लेकर था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आदरणीय आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा भी की है, आज से पहले भी की है, इस पर आलेख भी लिखे हैं और आज उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट के माध्यम से इस विषय को जनता के बीच में रखा है, सोशल मीडिया में रखा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे पार्टी के नाते कि भारत का संविधान सर्वोपरि है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी एक महान परंपरा है और कोई भी संस्था जो चाहे देश की हो चाहे बाहर से आके भारत में व्यवसाय करती हो, सबके लिए यह अनिवार्य है कि वो भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करे। अगर भारत के पार्लियामेंटेरियंस भारत के सदन में पार्लियामेंट में कोई कानून पारित करते हैं, सभी का कर्तव्य है, चाहे वो भारत के नागरिक हो, चाहे भारत में बिजनेस करने वाले वाणिज्य की संस्थाएं हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो, सभी के लिए अनिवार्य है कि उन कानूनों का जिनको कि विदित हिंदुस्तान के संसद ने किया है उसका पालन करे और जो इसका पालन नहीं करेगा स्वाभाविक है जो हमारे देश के नियम है उसके अनुसार कार्यवाही होती है। हमें सिर्फ इतना ही कहना है, बाकी आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने इस पर बहुत गंभीरता के साथ और बहुत विस्तृत जानकारी उस पर रखा है उन्होंने। विनीत, आई डू दैट।
देखिए, भारतवर्ष में एक ऐसा भारत को टुकड़े में बांटने वाला गैंग है, भारत तोड़ो गैंग है, जिनका एक ही उद्देश्य है भारत में भ्रम फैलाना, किस प्रकार से भारत में विद्वेष फैले, धार्मिक विद्वेष फैले, दंगे हों और उससे वो राजनीतिक बेनिफिट ले। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जिस वीडियो के विषय में आप बता रहे हैं उस वीडियो में जहां तक मैं जानता हूं उस वीडियो की आवाज को बंद कर दिया गया था, उस वीडियो का कोई आवाज ही नहीं आ रही। जब उसमें आवाज ही नहीं आ रही है तो कुछ लोगों को उसमें से आवाज कैसे सुनाई देती है, नंबर एक। नंबर दो, बिना तथ्य को जाने राहुल गांधी जैसे नेता जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे ट्वीट कर दिया, कैसे ट्वीट कर दिया उन्होंने बिना तथ्य को जाने। तथ्य गाजियाबाद की पुलिस ने सार्वजनिक किया है और वो सबके नजर में है कि किस प्रकार से कोई ताबीज का विषय था, किस प्रकार से वहां कोई लेन देन का विषय था जिसके कारण ऐसा हुआ। इस पूरे विषय को गाजियाबाद की पुलिस देख रही है, मगर वी शुड ऑल रिफ्रेन फ्रॉम स्प्रेडिंग फेक न्यूज और गलत और भ्रामक न्यूज के माध्यम से विद्वेष फैले, ये करना उचित नहीं है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, मैं आज इस मंच से बताना चाहूंगा ऐसी बहुत ताकतें हैं, ऐसी बहुत शक्तियां हैं जो चाहेंगी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास के राह पे आज आगे बढ़ रहा है, उसको डिरेल करने की पूरी कोशिश ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि करेंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता बहुत बुद्धिमान है, वो इसमें फंसने वाले नहीं है। प्रज्ञा ये नहीं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोवैक्सीन पर कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है। जो भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे उन सभी आरोपों का बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक एक कर विस्तार से जवाब दिया और समझाया कि जो बातें सामने आ रही हैं कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल की, उनकी सच्चाई क्या है, कैसे ये पूरी वैक्सीन तैयार हुई है, किन किन एलिमेंट्स को इसमें जोड़ा गया है और उनकी क्या जरूरत होती है। वैसे तो दावे ये भी किए जा रहे थे कि कोवैक्सीन में गाय के 21 दिन के बछड़े के खून का भी इस्तेमाल किया गया है। संबित पात्रा ने बताया कि ये सभी दावे गलत हैं, ये अफवाह फैलाई जा रही है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डीरेल करने की साजिश तक उन्होंने इसे करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के आरोपों को महापाप कहा है और इसे वैक्सीनेशन ड्राइव को डीरेल करने की कोशिश बताया है। आपको बताते हैं इस विवाद की आखिर शुरुआत कैसे हुई। कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के इंचार्ज गौरव पांधी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे लेकर घमासान मच गया। गौरव पांधी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर दावा किया कि इसमें गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है। गौरव पांधी ने इसके लिए आरटीआई का हवाला दिया है। मेरी सहयोगी अर्चना सिंह इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं, सीधे अर्चना का रुख करेंगे। अर्चना, ये जो तमाम तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं उसका पर्दाफाश तो संबित पात्रा ने किया ही, लेकिन वो जो ट्वीट किया गया उसके बारे में विस्तार से बताइए। ज्योत्सना, संबित पात्रा ने जो बात कही वही ट्वीट अब से एक घंटे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से किया गया, जिसमें मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स ऑन कोविड वैक्सीन, ये साफ 16 जून यानी आज और अब से एक घंटे पहले ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में कोवैक्सीन के कंपोजिशन को लेकर गलत और भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि उसमें न्यूबॉर्न काफ सीरम है। और इसमें आखिर में देखिए लिखा हुआ है, द फाइनल वैक्सीन कोवैक्सीन डज नॉट कंटेन न्यूबॉर्न काफ सीरम एट ऑल एंड द काफ सीरम इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द फाइनल वैक्सीन प्रोडक्ट। यानी इस वैक्सीन प्रोडक्ट में कोवैक्सीन जो है उसमें ये काफ सीरम नहीं है, ये सफाई पहले ही दी गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन अभी संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सफाई दी बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से। इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई और कौन इस विवाद को शुरू करने वाला था, अब ये जानना जरूरी है। यह है गौरव पांधी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया सेल के। उन्होंने सबसे पहले ये ट्वीट किया था, ये ट्वीट का समय है अब से 16 घंटे पहले का, जिसमें उन्होंने कहा
बताया था कि एक आरटीआई रिस्पांस में मोदी गवर्नमेंट ने माना कि कोवैक्सीन में न्यू बॉर्न काफ सीरम है। उन्होंने ये आरटीआई की कॉपी भी यहाँ पे लगाई और उन्होंने दावा किया कि आरटीआई में इस बात को माना गया है, यानी ये भ्रामक खबर फैलाई गई। वैसे भी ज्योत्सना, हमें पता है कि लोग वैक्सीन को लेकर कितने ज्यादा अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं आ रहे, उनके मन में तमाम दुविधाएं हैं और जब इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं तो लोगों के मन में और दुविधा बढ़ती है, क्योंकि जरूरत है लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, लेकिन इस तरीके की चर्चा करके, इस तरह की भ्रामक खबर और जानकारी फैला के लोगों के मन में और ज्यादा संशय पैदा किया जाता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे, गौरव पांधी का ये जो ट्वीट सामने आया है जिसमें वो आरटीआई का हवाला दे रहे हैं, अब उस ट्वीट से क्या समझे, मतलब वो गलत था, भ्रामक था? संबित पात्रा ने भी क्योंकि इस पर सफाई दी है। बिल्कुल, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का ट्वीट है उसमें ये कहा गया है कि काफ सीरम जो है इसका इस्तेमाल जो वैक्सीन्स होती हैं, बाकी ये देखिए उसमें ये लाइन पूरी दी हुई है कि जो न्यूबॉर्न काफ सीरम इज यूज्ड ओनली फॉर प्रिपरेशन ग्रोथ ऑफ वीरो सेल्स। ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि वायरस को डेड किया जाता है, डेड वायरस की सेल से फिर उसके बाद वैक्सीन बनाया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोवाइन एंड द अदर एनिमल सीरम, बोवाइन वही जो काफ सीरम होता है उसको कहते हैं, आर स्टैंडर्ड एनरिचमेंट इंग्रेडिएंट यूज्ड ग्लोबली फॉर वीरो सेल ग्रोथ, यानी उसके लिए किया जाता है और ये बरसों से पूरी दुनिया में पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये कोई नई चीज नहीं है जिसका विवाद गौरव पांधी ने खड़ा किया है, जिसके जरिए वो लोगों के मन में संशय पैदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है इसमें, इसकी आखिरी लाइन में, कि जो फाइनल कोवैक्सीन है यानी फाइनल जो प्रोडक्ट बना है उसमें न्यूबॉर्न काफ सीरम नहीं है एट ऑल, न्यूबॉर्न काफ सीरम एट ऑल एंड द काफ सीरम इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द फाइनल वैक्सीन प्रोडक्ट। यानी ये बात साफ की गई कि कोवैक्सीन जो बना है उसमें नहीं है और बाकी वैक्सीन जो बनती हैं उनमें ये होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और वो सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके की भ्रामक जानकारी फैलाकर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस के गौरव जो हैं वो गलत जानकारी आरटीआई के हवाले से फैला रहे हैं और इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को डीरेल करने की कोशिश के तहत उसे देखा जा रहा है। बहरहाल, अब अपने दर्शकों को सुनाते हैं कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के हेड गौरव पांधी का वो बयान जिसने एक कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम होने का दावा किया था। मामला और ज्यादा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गौरव पांधी जो हैं वो कांग्रेस से हैं। Vaccines are the lifeline today, and in my opinion, there is hardly anything more important than the vaccines in today's time. That the government has failed to provide enough vaccines, it's a different story. Now, there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people and not hide any information. If there is anything as such, make the information public. You cannot betray the people. And at the same time, again, people should go for the vaccines as and when available. Protect yourself and your families. That's the only way to defeat the pandemic. गौरव पांधी को आपने सुना और गौर करने वाली बात यह है कि वैक्सीन बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, ये जटिल प्रक्रिया है। साइंटिस्ट की देखरेख में लंबे वक्त के इंतजार के बाद वैक्सीन तैयार हुई और वैक्सीन बनाने का प्रोसेस हर किसी को समझ में नहीं आता है। ऐसे में गौरव पांधी जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं वो इस तरह की आधी अधूरी जानकारी आप लोगों के सामने रख रहे हैं, वो जाहिर तौर पर भ्रम फैलाती है, मिसलीड करती है। Hi, I'm Surbhi Sharma. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।